दोस्तों मारुति ग्रैंड विटारा इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। प्राइसेस इसका शुरू हो रहा है 10.45 लाख रुपए से और लगभग 20 लाख रुपए के आसपास इसका प्राइसेस चला जाता है। नो डाउट हाइब्रिड मॉडल्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई है, ओवर प्राइस्ड हो गई है, लेकिन जो नॉन हाइब्रिड मॉडल्स है उनका प्राइसेस ठीक ठाक है। मारुति का कोशिश यही है नॉन हाइब्रिड मॉडल्स को बेचे और टोयोटा का कोशिश रहेगा उनका हाइब्रिड मॉडल्स को बेचना, जो प्राइस लिस्ट को देखकर हमें इजीली समझ में आ रही है। और आज के इस वीडियो में हम लोग मारुति ग्रैंड विटारा का जो बेस मॉडल है सिग्मा, उसको कंपेयर करेंगे स्कोडा कुसा की बेस मॉडल एक्टिव के साथ, क्योंकि मारुति ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल सिग्मा सच में बहुत ही वैल्यू फॉर मनी मॉडल है, इसीलिए हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को डायमेंशन से। तो ग्रैंड विटारा की लेंथ 120 mm ज़्यादा है, बीथ 35 mm ज़्यादा है, हाइट 33 mm ज़्यादा है, व्हील बेस 51 mm कम है, ग्राउंड क्लियरेंस 20 mm ज़्यादा है, टायर साइज 1 inch ज़्यादा है, जबकि बूट स्पेस में 12 लीटर की कमी आपको देखने में मिलेगी। अब ओवरऑल डायमेंशंस को अगर कंपेयर करें तो ग्रैंड विटारा साइज में काफ़ी बड़ी गाड़ी है कुसा के मुकाबले, इसीलिए कार के अंदर आपको बढ़िया केबिन स्पेस, लेग रूम, हेड रूम मिलने वाली है। लेकिन अगर बात करें व्हील बेस की तो यहाँ पर आपको कुसक में बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो थोड़ी कंफर्ट राइड आपको कुसक में भी मिलने वाली है ग्रैंड विटारा के जैसा। इसके अलावा टायर साइज की बात करें तो यहाँ पर ग्रैंड विटारा आगे निकल जाती है, आपको यहाँ पर 1 inch बड़ी टायर मिल जाती है बेस मॉडल से ही। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने में नहीं मिलेगा, सिर्फ 12 लीटर का डिफरेंस है, जो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो डायमेंशंस को अगर कंपेयर करें तो ग्रैंड विटारा इजीली विनर निकल जाती है। इंजन डिटेल्स की बात करें तो ग्रैंड विटारा में आपको मिलेगा 1.5 लीटर 4 सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जो 102 bhp के साथ 137 nm टॉर्क पैदा करता है। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में 21.11 kmpl का माइलेज क्लेम करा जाता है, जबकि स्कोडा कुसक में आपको मिलता है 1 लीटर 3 सिलेंडर TSI पेट्रोल इंजन, जो 114 bhp के साथ 178 nm का टॉर्क पैदा करता है। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में 17.88 kmpl का माइलेज क्लेम करा जाता है। इंजन परफॉर्मेंस को अगर कंपेयर करें तो आप देख ही सकते हो स्कोडा कुसक में आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है, क्योंकि इसमें आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। लेकिन एक चीज़ आपको अच्छी नहीं मिलेगी और वो है टर्बो पेट्रोल इंजन होने के बावजूद भी आपको छोटी इंजन मिलता है, तो जब आप इस इंजन को जब खींचोगे तब इंजन पर स्ट्रेस पड़ेगा बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जब टर्बो के रेंज में ये गाड़ी नहीं आती है तब आपको बहुत ही अंडर पावर लगेगी ये गाड़ी, तो ये प्रॉब्लम आपको मिलेगी। माइलेज भी कोई बहुत खास आपको स्कोडा कुसक में नहीं मिलेगा, जबकि ग्रैंड विटारा में आपको पावर कम मिलती है मैं मानता हूँ, लेकिन आपको एक बड़ी इंजन का इस्तेमाल देखने में मिलेगा, जिसके वजह से इंजन पर स्ट्रेस कम पड़ेगा और आपको रिलायबल इंजन भी मिलेगी और माइलेज भी आपको मिल जाएगी ठीक ठाक। सिर्फ एक चीज़ आपको ग्रैंड विटारा में कम मिलेगी और वो है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर यहाँ पर 6-speed होती तो परफॉर्मेंस या फिर माइलेज और भी बढ़िया हो जाती ग्रैंड विटारा की। कॉम्फर्ट फीचर्स की बात करें तो ग्रैंड विटारा में आपको मिलेगा हैलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, टर्न इंडिकेटर्स ऑन वार बीम्स, शार्क फिन एंटेना, फ्रंट स्लाइडिंग आर्म रेस्ट, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, रिमोट कीलेस एंट्री, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल विथ रियर AC फैंस, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, रिक्लाइनिंग रियर सीट, ऑल फोर पावर विंडोज विथ ड्राइवर साइड ऑटो अप डाउन फंक्शन, इलेक्ट्रिक होल्ड RPM और मैनुअल डे नाइट RPM। जबकि कुसक में आपको मिलता है एंटी ग्लेयर RPMs, स्कोडा क्रोम ग्रिल, बॉडी कलर्ड मैनुअल RPMs, 6.9 inch टच स्क्रीन विथ एप्पल एंड एंड्रॉयड कनेक्टिविटी विथ 6 speaker, मैनुअल AC विथ रियर AC फैंस और ऑल फोर पावर विंडोज। तो कंफर्ट फीचर को अगर कंपेयर करें तो आप लोग देख ही सकते हो बेस मॉडल होते हुए भी ग्रैंड विटारा में आपको काम लायक बहुत अच्छे अच्छे फीचर मिल जाते हैं, जिसका कमी आपको कुसक में महसूस होगी। तो कंफर्ट फीचर को अगर कंपेयर करें तो ग्रैंड विटारा आगे निकल जाती है। सेफ्टी फीचर को अगर कंपेयर करें तो ग्रैंड विटारा में आपको मिलता है डुअल एयरबैग्स, ABS विथ EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, फ्रंट सीट बेल्ट प्रिटेंशनस विथ लोड लिमिटर, फ्रंट हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, फ्रंट एंड सेकेंड रो 3-point सीट बेल्ट,
आइसोफिक एंकर्स, हाई स्पीड अलर्ट और रियर पार्किंग सेंसर, जबकि कुसा के बेस मॉडल में आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एबीएस विद ईबीडी, मल्टी कोलिजन ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, रोल ओवर प्रोटेक्शन, ड्यूल एयर बैग्स, फ्रंट एंड सेकेंड रो 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स, टायर प्रेशर मॉनिटर और आइसोफिक एंकर। तो सेफ्टी फीचर को अगर कंपेयर करें तो दोनों ही गाड़ियां बहुत ही तगड़े तगड़े सेफ्टी फीचर के साथ आते हैं। हाँ, अगर कंपैरिजन की बात करें तो कुसा स्लाइटली बेटर हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको थोड़े और एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं ग्रैंड विटारा के मुकाबले। अब प्राइसिंग की बात करें तो ग्रैंड विटारा सिग्मा बेस मॉडल का एक शोरूम कॉस्ट रहेगा 10.45 लाख रुपए, जबकि स्कोडा कुसा एक्टिव बेस मॉडल का एक शोरूम कॉस्ट रहेगा 11.29 लाख रुपए, मतलब 84,000 रुपए ग्रैंड विटारा सस्ती पड़ेगी स्कोडा कुसा का बेस मॉडल एक्टिव के मुकाबले। तो इसका मतलब यही निकल कर आता है कि आपको सस्ती प्राइस में एक बिग साइज एसयूवी मिल जाती है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है, ग्रैंड विटारा बेस मॉडल सिग्मा इज द वैल्यू फॉर मनी मॉडल। तो अगर आप इन दोनों में कॉन्फ्यूज थे तो आप लोग ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल सिग्मा की तरफ जा सकते हो। आपको इसमें भर भर के कॉम्फर्ट फीचर, सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं, इंजन परफॉर्मेंस भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।